मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों ये फोटो आप देख रहे हैं, ये है लुटिनो अपलाइन। इसको प्रोड्यूस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप सस्ते पेयर से महंगा बर्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह है कि लुटिनो अपलाइन का इस टाइम मार्केट प्राइस 70,000 से 80,000 रुपये का चल रहा है एक पेयर का। दोस्तों इतना महंगा पेयर लेने से बेहतर है कि आप सस्ते पेयर से अपने घर पर ही वर्किंग करके इस तरीके के लुटिनो अपलाइन घर पर ही प्रोड्यूस करें तो उसका मजा ही अलग है। मार्केट से या किसी ब्रीडर से तो आप बने बनाए या फिर किसी भी म्यूटेशन के पेयर घर बैठे मंगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मज़ा घर बैठ कर वर्किंग करने में है, वर्किंग के बाद जो बर्ड्स निकल के आते हैं, जो चिक्स निकल के आते हैं, जो म्यूटेशन बन के आती है, उसकी खुशी अलग ही होती है। दोस्तों लव बर्ड में मेरे पास क्या नहीं है, माशाल्लाह सभी तरीके के म्यूटेशन मेरे पास है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर भी वर्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर पर सस्ते बर्ड से महंगा बर्ड प्रोड्यूस करें। तो दोस्तों इसमें आपको ग्रीन ऑफलाइन लेना है। ग्रीन ऑफलाइन के साथ आपको फीमेल जो लेनी है वो हो लुटिनो फिशर, ठीक है जी। ग्रीन ऑफलाइन का मेल हो गया और फीमेल हो गई लुटिनो फिशर। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं कि आसिम भाई हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन जो है स्प्लिट ब्लू में है तो वो काम करेगा? हाँ दोस्तों वो काम करेगा, लेकिन अगर सादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ऑप्शन नहीं है और आपके पास स्प्लिट ब्लू है तो भी काम कर जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको दो पेयर लेने हैं, ठीक है, अगर आपने घर पर ही पेयरिंग करानी है तो दो पेयर आपको ऐसे बनाने हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। मेल जो है ग्रीन वाला ग्रीन ऑफलाइन है और दूसरा वाला आप देख रहे हैं वो फीमेल है लुटिनो फिशर रेड आई। तो इस तरीके के दो पेयर आपने बना लिए। तो दोस्तों इससे क्या प्रोड्यूस होगा वो सामने लिख के मैं आपको दे रहा हूँ। इससे दोस्तों आपको दो तरीके के बच्चे मिलेंगे। एक आपको मिलेगा ग्रीन फिशर जो कि स्प्लिट होगा ऑफलाइन का और स्प्लिट होगा रेड आई का, ठीक है जी। ये हो गया आपका मेल जो सिंपल ग्रीन फिशर की तरह आपको नजर आएगा, उसको DNA कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों फीमेल जो दिखेगी आपको जो उसमें मिलने वाली है वो जैसा आपको मेल नज़र आ रहा है ग्रीन ऑफलाइन का, उस तरीके की फीमेल आपको इसमें प्रोड्यूस होंगी, उसका भी DNA कराना नहीं पड़ेगा, वो भी विजुअली फीमेल होगी। दोस्तों ऐसे ही आपको दूसरा पेयर लगा लेना है, ग्रीन ऑफलाइन और आपका लुटिनो फिशर मिलाकर दूसरा पेयर लगा लेंगे आप। तो दोस्तों इनके जो भी बच्चे निकलेंगे उनको आपस में ब्रीड करा दिएगा, यानी कि इसका जो मेल निकलेगा वो दूसरे वाले पेयर की फीमेल से ब्रीड करा दिएगा और इसकी जो फीमेल निकलेगी वो दूसरे वाले पेयर के मेल से करा दिएगा, यानी कि क्रॉस करवा दिएगा दोनों के बच्चों को आपस में। तो दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा उसमें, जब दोस्तों आप ब्रीड करवाएंगे तो आपको उसमें दो तीन क्लच जो भी आप लेंगे उसके अंदर कुछ बच्चे आपको लुटिनो ऑफलाइन मिलेंगे, कुछ बच्चे उसके अंदर आपको डैग ग्रीन मिलेंगे, यानी कि देखने में बिल्कुल लुटिनो ऑफलाइन की तरह होंगे लेकिन उनकी आँखें ब्लैक होंगी रेड की बजाय। लेकिन दोस्तों वो जो बच्चे होंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे, ब्लैक आई भी जितनी भी ब्लैक आई होंगे वो सारे पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको मिलेगा ग्रीन ऑफलाइन, वो भी पॉसिबल स्प्लिट इनो होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेंगे ग्रीन फिशर जो पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे, पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। कुछ इसमें लुटिनो फिशर मिलेंगे जो कि पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। तो बहुत सस्ती पेयरिंग है, बहुत शानदार पेयरिंग है, मैंने ऐसे दो पेयर लगा रखे हैं। इसके अलावा दूसरे पेयर भी हैं, किसी दिन पूरा सेटअप विजिट कराऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से बर्ड्स हैं। माशाल्लाह सारे पेयर ने ब्रीड कर रखी है, बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको लुटिनो ऑफलाइन की वर्किंग सिखा रहा था। दोस्तों ये देखें इस पेयर ने भी कुछ बच्चे निकाल रखे थे, आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस पेयर ने 4 अंडे दिए थे, 2 बच्चे मैंने इसके फॉस्टर कर दिए। वो 2 बच्चे दोस्तों मैंने पारब्लू वॉयलेट फिशरी के नीचे फॉस्टर किए हैं। मैं हमेशा ऑफलाइन के बच्चों को कहीं ना कहीं फॉस्टर कर देता हूं, मैं ऑफलाइन के बच्चे कभी भी ऑफलाइन से नहीं पलवाता, मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं इनको फॉस्टर कर देता हूं, शिफ्ट कर देता हूं। अब ये बच्चा भी मैं शिफ्ट कर दूंगा 4-5 दिन बाद और जो नया बच्चा हैच होगा उसको भी शिफ्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक एक कमेंट और एक शेयर तो दोस्तों बनता है भाई के लिए।